हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। तो बेटे, छोटी क्लासेस में आपने स्टडी किया था कि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लास में आप स्टडी करोगे कि एरिया जो है वो सम टाइम्स हम एज ए वेक्टर भी यूज कर लेते हैं। यदि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया को हम कैसे लिखेंगे? एरिया वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है, एरिया मैग्नीट्यूड में इनटू डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन क्या बन जाता है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया वेक्टर हम स्टडी कर रहे हैं। बच्चों, मान लो आपके पास ये एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, और बच्चों ये वाई एक्सिस, और ये इसका ओरिजिन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या, यहाँ पे ओरिजिन। तो जब हम बात करेंगे एरिया वेक्टर की, तो बेटे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इस प्लेन के नॉर्मल ड्रॉन होगी आउटवर्ड। जैसे ये प्लेन ब्लैक बोर्ड पर बना हुआ आपका, ठीक है, ब्लैक बोर्ड इट सेल्फ ए प्लेन, और ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी बाई एक्सिस। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो बेटा ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी? यहाँ पे चेक करेंगे तो जेड एक्सिस। कौन सी होगी आपके पास? ये आउटवर्ड जेड एक्सिस। तो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये दिमाग में अपने बिठा लेना है, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो ए इनटू डायरेक्शन क्या है बेटे आपके पास? के कैप। क्योंकि यदि एक्स के अलॉन्ग आई कैप है यूनिट वेक्टर और वाई के अलॉन्ग जे कैप है यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? जेड के अलॉन्ग के कैप। तो ये आपके पास आ गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका हम स्टडी कर रहे हैं एस सी वर्मा की बुक से आपका। तो ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन ए गिवन रीजन इज इक्वल टू 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट ये कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी गिवन है, ठीक है, और यहां पे ये बोल रहा है कि जो ई नॉट है वो आपके पास है 2×10³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहां पे ये आस्क कर रहा है कि फ्लक्स निकालो, राइट, कहां से फ्लक्स निकालो? एक रेक्टेंगुलर सरफेस गिवन है आपका। कौन सा सरफेस गिवन है आपका? रेक्टेंगुलर सरफेस, और वो जो सरफेस है उसका जो एरिया है वो क्या है बेटे? पैरेलल टू बाई जेड प्लेन, पैरेलल टू बाई जेड प्लेन, और एरिया गिवन है 0.2 मीटर स्क्वेयर। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों ये। तो अब देखिए बच्चों ध्यान से आप इसको, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि एक प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो बाकी प्रॉब्लम्स फ्लक्स से रिलेटेड आपकी निकल जाएंगी। तो बेटे यहाँ पे फ्लक्स की डेफिनेशन हमें पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से देखो आप इसको, ये बोल रहा है इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर सरफेस से जो कि पैरेलल टू बाई जेड प्लेन है, तो बेटे यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास? बाई, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? जेड। हमने मान लिया जेड का यूनिट वेक्टर के कैप, बाई का यूनिट वेक्टर जे कैप। तो ये जो प्लेन है ये पैरेलल टू बाई जेड प्लेन है, ठीक है। अब बाई जेड प्लेन ड्रॉ करो तो वो इसके क्या आएगा? पैरेलल आएगा। तो अब बेटे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड, ये बाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो किस तरफ होगा आपका? एक्स एक्सिस की तरफ।
और डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर यूज करेंगे हम, आई कैप। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें गिवन है, हमने निकालना है, तो 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास, डॉट, किसका डॉट आएगा, डी ए का। पहले ए का मैग्नीट्यूड लिख लो, मैग्नीट्यूड कितना 0.2, और बेटा डायरेक्शन क्या आ गई, आई कैप। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट हम इसके साथ निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 3/5 ई नॉट इंटू 0.2 और यहाँ पे आई डॉट आई, क्योंकि जे डॉट आई आपका जीरो होता है तो ये बेसिक है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/5, क्योंकि जो जे डॉट आई है दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है बेटे, जीरो। तो यह हमारे पास है 3/5, ई नॉट की वैल्यू यहाँ से पिक कर लो, ई नॉट की वैल्यू आपके पास है 2×10³, और यहाँ पे आपके पास है 2/10, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, 12/5 इंटू 10^2, ठीक है। फ्लक्स, फ्लक्स की मैं यूनिट वेबर लिख देता हूँ, और आपकी मर्जी है आप इसको न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी लिख सकती हो। तो ये बेटे आपके पास